नमस्कार मैं हूं प्रशांत और आज स्पॉटलाइट पे बात गुलमोहर की एक, एक ऐसी फिल्म जो रिश्तों की कहानी कहती है और जिन रिश्तों की कहानी कहती है और जिन परिवार वालों की कहानी कहती है वो मेरे साथ में मेरे साथ में शर्मिला जी शर्मिला टैगोर जी मनोज वाजपेई और डायरेक्टर रा, राहुल चटैला अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन चटैला का ठीक है बिल्कुल सब, सही है बिल्कुल चिटैला या आई वॉज कन्फ्यूज सो थैंक यू वेरी मच सबसे पहले तो आप मेरे सबसे करीब बैठी हैं और सवाल भी मुझे सबसे पहले आप ही से पूछना कि बारह साल क्यों लग गए अब <laughs> uh, पता नहीं बारह साल मैंने वैसे वैसे गिना नहीं क्योंकि मैं काफी मशरूफ काफी बिजी थी उस वक्त बिकॉज़ आई वाज इन्वॉल्वड विद CBFC देन आई वाज इन्वॉल्वड विद यूनिसेफ एंड आई वाज डूइंग लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स यू नो तो ऐसा नहीं कि मैं आ, इंतजार में थी कि जो कोई और ऑफर नहीं लोग इंतजार नहीं, में थे <laughs> <laughs> आप इंतजार में नहीं थे <laughs> <laughs> नहीं uh, But anyway, it it happened. It happened right. with Rahul Chitela. He came with a wonderful script, and uh, as as we are saying in the film, you it? It was meant to be. Ji. So ye, I was, it was meant, meant to, to keep the audience waiting for 12 years so that they get very eager to see me on the screen. <laughs> and then Rahul Chetela came, so now I am on the screen. So.

मुझे कुछ एक नया आ, एक रेसिपी बनाना है यू नो खाने, खाने so, तो में what, भी? खाने में भी और कहीं भी एक वट एवर समथिंग न्यू आई विल ऑलवेज गेट समथिंग ना उसको आप नर्वस कहिए या कुछ भी कहिए मेरे लिए वो एक प्रेपरेशन है जी. कि उसके बगैर आई मीन इफ आई से यू नो आई कैन जस्ट डू इट एंड आई जस्ट वॉक इन लाइक दैट आई मेक अ मेस यू नो आई फील तो जो भी है मुझे थोड़ा सा प्रेपरेशन एंड आई वॉन्ट टू बी सो उसके लिए देर इज अ काइंड ऑफ फ्लटर इन योर स्टमक और इज अ यू नो समथिंग सो दैट आई थिंक इज नेसेसरी एट लीस्ट फॉर मी टू टू गिव अ गुड परफॉर्मेंस अ लिटिल बिट ऑफ दैट इज मेरे ख्याल से जरूरी है फिल्म की बातें मैं आऊंगा लेकिन मनोज आप जब शर्मला जी के साथ काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने आपसे पूछा होगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एक्सपीरियंस में नहीं पूछूंगा लेकिन फैन मोमेंट हमेशा वो तो नहीं हमेशा नहीं रहे। जो नहीं जिनको नहीं। नहीं, जो हमेशा वो और वो और फैन मोमेंट सारे इंटरव्यू हो रहे हैं मुझे चूंकि आपको आ जाता है कि आपका जो फैन फाँ, फैन बॉय मोमेंट हो जो होता है वो लगातार एक डिसबिलीव सा रहता है कि क्या सच में मैंने काम किया शमिला जी के साथ क्या मैं सच में यहाँ बैठा हूँ एक बाद में आपको छुपाना आ जाता है पहले हम मुझे छुपाना नहीं आता था तो या तो मैं चुप होकर कि किसी कोने में बैठ जाता था कि मैं नहीं जाऊँगा उधर अभी आ, 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 आप काम करते हैं उसके बाद भी लगता है कि शमिला जी ने सच में काम किया है क्या आपके साथ में क्योंकि आप बचपन से जिन शख्सियत को देख रहे हैं तो वो चाइल्डहुड जो है वो हर आदमी में जिंदा रहता है वो वो किसी में भी इस कमरे में इतने लोग बैठे हैं सबके अंदर में एक वो बच्चा है जिसने जीवन जीने की शुरुआत की थी तो उस समय जो के जितने भी शख्स जिन भी शख्सियत को देखा उसने और ख़ास करके मेरे मेरे जैसा आदमी जो बचपन से जब से मैंने होश संभाला तब से मुझे याद है कि मैं एक्टर ही बनना चाहता था जी तो मेरे लिए जो वो ये सब मेरे ड्रीम को इन लोगों ने इंस्टिगेट किया है उस ड्रीम को परसू करने में इन लोगों की परफॉर्मेंसेज इन लोगों का जो आ, की जो पर्सनालिटी थी स्क्रीन पर जो दिखती थी उसमें उससे वो उस समय का बच्चा मेस्मराइज होता था एंड ही यू नो ही वाज टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम ऑल ऑफ दोज फेसेज मूविंग ऑन द स्क्रीन

so i was also very uh, keyed up <laughs> and when we had to work <laughs> <laughs> yeah. so so it works both ways because naturally when you respect somebody so much you, you know the person is so talented and he has a different way of working and look, you know they're so trained it, it, they know the craft so and you know from the theater और विद द लैंग्वेज हर तरीके से यू you नो know, दे आर सो मच मोर प्रिपेयर्ड वी डिडंट गो टू तो अ फिल्म स्कूल वी डिडंट लर्न वी वॉच्ड लाइफ अराउंड बट देन आल्सो योर हाँ तो आप नहीं गए अब फैन बोलिए ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट कहिए या जो भी है देयर इज एक है क्योंकि वी आर ऑल एक्टर्स एंड वी अप्रीशिएट बट मेरे ख्याल फर्स्ट टीचर आप ही लोग रहे हैं मनोज uh, हाँ, तो जी जब आप देखते हो जब आप, छो, आप बहुत छोटे होते हैं जी जी और जब आपकी ड्रीम होता है उस बड़े पर्दे पे जो भी हो रहा है उसका पार्ट होना राइट right. जी तो यू डोंट टेक एनी मोमेंट ऑन द बिग स्क्रीन फॉर ग्रांटेड यू आर ऑलवेज देयर यू नो जैसे मैं uh, अगर मुझे अफसोस किसी बात का होता है तो एक ही चीज़ का होता है कि मैं कभी संजीव कुमार जी से नहीं मिल पाया हाँ क्योंकि lovely. जब तक मैं आया उसके बाद उनका इंतकाल हो गया था आ, तो वो एक थे जिनसे जिनको मैं मिलना चाहता था आ, शमिला जी और अमिताभ बच्चन जी के साथ काम करने का मौका लगा राजेश खन्ना जी से ऐसे ही आ, कभी मतलब हेलो हाय बस हुई शत्रुघ्न सिन्हा जी कभी मिल जाते हैं कभी फ़ोन भी आ जाता है उनका तो बलासानी जी सार्थ कभी सार्थ नहीं मिल पाया मैं जी आई आल्सो हैड वो ऐसे कुछ मलाल बलराज सानी मोतीलाल मोतीलाल जी सो so, ऐसे कुछ मलाल मेरे अंदर भी हैं मैं भी बहुत तो मैं मिलना चाह रहा था मैं एक बार निकल रहा था दिल्ली एयरपोर्ट से मैं किसी फंक्शन को अटेंड करने दिल्ली गया था और अचानक मैं खड़ा था अचानक से देखा कि दिलीप साहब आ रहे हैं उधर से अपने करीब सात आठ लोग उनके साथ आ रहे थे और उनसे मेरी नज़र मिली और मैंने ऐसे किया उनको क्योंकि मैं स्टंड हो गया कि मैं दिलीप साहब को देख लिया और उन्होंने मुझे देखा और रुक गए और रुक करके वो मेरे पास आए बिकॉज मैं फ्रीज कर गया था तो कह रहे हैं जनाब आप बहुत उम्दा काम करते हैं <laughs> करते रहिए है। करके वो चले गए और मैं वहीं पर खड़ा रहा मैंने जो सुना क्या सही सुना देन आई वेंट इन द कॉर्नर सैट ऑन अ बेंच Oh <laughs> दिलीप साहब से समथिंग वेरी नाइस आई yeah. सॉ दिलीप कुमार सो so ये बन गया जी जी तो ये तो आपके बचपन की जो शख्सियत right. लोग हैं आप उनसे एक बात अच्छी सुन लेते हो तो आपको अच्छा लगता है क्योंकि वो इस ग्रोन अप को नहीं लगता वो जो बच्चा था वो अभी तक वहीं पे है जी राहुल आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि जो फिल्म है बहुत कुछ कहती है और आज के टाइम में हम लोग चाहे वो मनोज है या मैं हूँ या और भी ऐसे लोग होंगे जो बड़े शहरों में आके रह रहे हैं न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है वो शहरों से लोग निकल आए हैं आपने बहुत सारे मुद्दे उठाए लेकिन क्या जो मेन पॉइंट है आप उस पर उंगली रखने रखेंगे फिल्म के मतलब जब मैं देख रहा था कुछ चीज़ें मुझे महसूस हो रही थी और मेरे जैसे शायद और भी लोग जब देख रहे होंगे तो उनको महसूस हो रही होंगी Uh, लेकिन आपसे अगर मैं पूछूं आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था जब आप फिल्म लेके लिखने चले थे और बनाए कि uh, मैं कहता हूं कि यू नो द दुनिया जो है वो छोटी हो रही है ये सोशल मीडिया से या फिर अभी हम फेस टाइम कर सकते हैं एक दूसरे से uh, पर मैं आपको बताऊं मेरे मॉम डैड जो हैं वो मेरे बगल के बिल्डिंग में रहते हैं पर हम शायद दो हफ्ते में एक बार मिलते हैं वी डोंट मीट बिकॉज वी आर बिकमिंग लोनली पीपल तो इस टाइम पे

लेकिन मुझे ये बताइए कि आप शमिला जी आप दिल्ली में भी रहती हैं ज्यादातर और अभी आपका एक आपने फोटो पोस्ट किया है सोशल मीडिया पे मैं सोशल मीडिया में नहीं नहीं मतलब हूं ने क्या होगा जी एक ओमेगा <laughs> से वो पूरा फैमिली का ने किया सवाल किया मुझे बताइए कि जैसे उन्होंने कहा वीडियो कॉल पे बात हो जाती है लेकिन फिर भी मोबाइल के जमाने में भला ही मोबाइल है हम लोग करीब आ गए हैं लेकिन वो दूरियां महसूस होती हैं क्योंकि सब लोग अलग अलग काम कर रहे हैं जो अभी जॉइंट फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली की बात कर रहा था आप बॉम्बे जैसे शहर में रहते हैं तो आपके पास सपोर्ट सिस्टम नहीं होता बैकअप नहीं होता कई बार आपको याद आता है कि काश माँ बाप साथ में होते या चाचा चाची ताए थे सो आपको भी कभी ऐसा महसूस होता है जब आप डेली में होती हैं बाकी फैमिली सब बॉम्बे में है कि या उतना बात करना क्योंकि जिस बिजनेस में आप हैं बिजनेस बहुत है मुश्किल है मुश्किल है मगर मैं अपने आप को कभी आ, अलोन नहीं समझती हूँ क्योंकि अभी बियॉन्ड योर बायोलॉजिकल फैमिली आपके फ्रेंड्स भी फैमिली बन जाते हैं जो फिल्म में भी हैं जो फिल्म में भी है जी बिल्कुल सो <laughs> so, तो वो भी बहुत ही करीब के और यू नो दे आल्सो लाइक तो एंड वी हैव टू मेक टाइम ऐसा नहीं कह सकते जो हम बहुत बिजी हैं यू आर नॉट दैट बिजी नोबडी इज दैट बिजी यू हैव टू मेक टाइम थोड़ा सा प्लानिंग थोड़ा सा कभी कभी एक्सीडेंटली भी हो जाता है मगर एक दिमाग में रखना चाहिए जब भाई इतने दिनों के बाद मिलना जरूरी है क्योंकि जूम कॉल कर लिया फेस टाइम कर लिया मगर जो एक हग में जो होता है ना Uh, गले मिलने में जो एक uh, वो होता है तो बहुत जरूरी है एंड आई हैव गॉट वेरी यंग ग्रैंडचिल्ड्रन तो उनका मेमोरी इज नॉट रिटेंटिव उनको अभी अगर वो हमसे नहीं मिले तो आई वोंट बी एबल टू जी तो यू हैव टू मेक टाइम राइट बस मनोज मैं आपसे पूछू तो क्योंकि आप बहुत टाइम हो गया घर से निकले हो mm -hmm. और यहां पे फैमिली है भी नहीं अभी तो, तो uh, आपको कभी वो महसूस होता है वो क्योंकि आप रोज़ जा नहीं सकते हर हफ्ते भी नहीं जा सकते मतलब महीने हो जाते होंगे शायद जाते हुए सो अगर मैं आपसे पूछूँ वो सपोर्ट की कमी कई बार आ, फैमिली की या या तो खैर सबको आती है आपको कभी महसूस हुआ ऐसा जो इस फिल्म में दिखाया गया कि किस तरह से जब अपने से आप अलग होते हैं तो आ... देखिए मेरे किस के, के, केस में क्या था कि जब मैं दिल्ली आया था थिएटर करने और दिल्ली इंस्टिटी में पढ़ने के लिए और थिएटर करने के लिए उस समय टेलीफोन भी हमारे गांव में नहीं था और तो चिट्ठी लेटर लिखते थे पिताजी को लेटर लिखा माँ को लेटर लिखा वहाँ से जवाब आता था एक महीने बाद जवाब आता था तो धीरे धीरे टेलीफोन जो है हमारे गांव में टेलीफोन हुआ तो वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में फोन करके बोलते थे कि अब आप, आप खबर कर दीजिएगा बाबू को कि मैं इस समय फ़ोन करूँगा तो उसके पड़ोसी हाँ तो धीरे धीरे कम्युनिकेशन जो है ज़्यादा स्मूद होता गया और उसमें रेवोल्यूशन आता गया लेकिन उसके बाद मेरे सारे बदन सिस्टर सब शिफ्ट कर गए दिल्ली शिफ्ट कर गए तो ज्यादातर मिलना हमारा दिल्ली जाने पे हो जाता था दिल्ली फिर भी करीब है हाँ बहुत करीब है और अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं हर महीने में चला जाता हूँ एक बार तो जाता ही जाता हूँ हमेशा मैं, sure कि किसी एक के घर में खाना खाऊं और वहां पर सब नहीं लोग इकट्ठा हो जाए तो एक अजीब फिर से अचान, अचानक से चाइल्डहुड की तरह से म, वो माहौल हो जाता है इतने सारे लोग हैं टॉकिंग अक्रॉस इच अदर मतलब नो बडी इज मेकिंग सेंस बट स्टिल टॉकिंग और वो चीज मुझे फिल्म का जो फर्स्ट सीन है ना हाँ, हाँ वो फील हुआ उसमें उसका मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैं बहुत सारे लोगों के बीच में गिर गया हूँ yeah. वाकई में वो फीलिंग हुई थी <laughs> फिल्म देखते दैट द होल थीडिया अब तो जॉइंट फैमिली में रहा हूं मैं और देखा है आस में तो फिल्म में भी वही है तो तो रिलेक्टेबिलिटी फैक्टर बहुत ज्यादा है जी, जी. और जो जॉइंट फैमिली में नहीं भी रहता है मैंने उन लोगों से भी बात किया जिन्होंने फिल्म, फिल्म देखी वो लोग भी उसके जो कोर इमोशन है फिल्म का वहां पर वो, वो उनके आंसू भी आते हैं जबकि वो जॉइंट फैमिली में जी, नहीं रहते जब आपका वो पता लगता है कहा जा रही क्या हुआ आखिरी चीज दोनों से पूछूंगा मैं आ, कि आपने बहुत इंडिपेंडेंट सिनेमा भी किया और स्टूडियो सिनेमा भी किया और बतौर डायरेक्टर बतौर एक्टर आपको लगता है शिमला जी आप भी जवाब दीजिएगा कि बतौर एक्टर खेलने का मौका इंडिपेंडेंट सिनेमा में ज़्यादा है इंडिपेंडेंट सिनेमा जो है वो आ, दो तरीके से एक तो आ, हम सब जब उसमें काम कर रहे होते हैं तो बिलीफ और कन्विक्शन के अलावा कुछ होता नहीं है वहाँ पे पैसे भी नहीं है <laughs> और वहाँ पर आ, आ, एक चीज है कि हम सब वहाँ पे कन्विक्शन और पैशन पा, की वजह से उस जगह पे होते हैं और हम सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहते हैं बिकॉज सबका बिलीफ जो है ना एक चीज़ पे होता है एंड वी आर ट्राइंग टू मेक इट एज ग्रेट एज पॉसिबल सो वी पुट इन हंड्रेड परसेंट जो भी है और वर्किंग आवर्स भी बहुत ही कंफर्टेबल नहीं होते हैं तो बट जब आप काम करते हो जैसे किसी मेन स्ट्रीम में हम काम करते हैं या फिर जैसे स्टूडियो किसी फिल्म में काम करते हैं कंफर्ट वगैरह सब कुछ होता है बट एक चीज़ जो इंडिपेंडेंट सिनेमा लेके आया उसका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है मेन स्ट्रीम में जो को जो उसने दिया है वो है डिसिप्लिन इंडिपेंडेंट सिनेमा ने मेन स्ट्रीम की मेकिंग को बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ किया है उसका इन्फ्लुएंस बहुत कमाल कर रहा है तो इसलिए अगर आप मेन स्ट्रीम भी कर रहे हो आज के तारीख में तो uh, आप काम के समय काम कर रहे होते हो एट द सेम टाइम जैसे गुलमोहर में ये राहुल uh, चितेला ये आज के डायरेक्टर हैं बट ही गॉट इन टू द इन टू द प्रोजेक्ट इज द ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसिप्लिन एंड नो हायर ओके सो एवरी वन वॉज वर्किंग ऑन ऑन वन थिंग दे वर नॉट वर्किंग फॉर देम

कहाँ का मटर पनीर सबसे अच्छा होता है और कहाँ का कीमा सबसे अच्छा होता है <laughs> so <laughs> <Yeah>. <laughs> आज लंच पे क्या है <laughs> दिल्ली को सभी आप लोग बेहतर जानते हैं तो जाहिर सी बात है खाने की जगह कौन सी अच्छी है लेकिन अच्छी बात है कि लोगों को आप लोगों ने फिल्म के अंदर भी और फिल्म के बाहर भी yeah. फैमिली आ, जैसा माहौल रखा और जब दर्शक आएंगे तो वो भी कनेक्ट कर पाएंगे इस इमोशन से जो फिल्म है बहुत बहुत शुक्रिया बात करने का थैंक यू थैंक यू थैंक यू